नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सीएजीएन 120 के गैसेस स्टेट का पार्ट 4 लेके आई हूँ। इससे पहले हम बता चुके हैं कि गैस किसे कहते हैं और गैस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हमने बताया कि गैस के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकेंड में बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और इन सबको मिक्स करके हम कैसे आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बताया था कि व्हाट आर बॉयस लॉ, बॉयस लॉ क्या होता है। आज हम बॉयस लॉ पर बेस्ड फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसके बेस आधार पर कुछ न्यूमेरिकल को फेस करेंगे। देखिए, ये न्यूमेरिकल बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो बॉयस लॉ अगर कुछ बॉयस लॉ पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को भी उनको फेस करना पड़ेगा। तो हम न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, कैसे किस तरह से हम उनका फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, आज मैं आपको इस चीज पर छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट जैसे हमें बॉयस लॉ पर बेस्ड अगर मान लीजिए कुछ सपोज ये क्वेश्चन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बॉयस लॉ है। देखिए, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर ऑफ रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 ml ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 लीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर कितनी कितना प्रेशर की आवश्यकता होगी जब गैस को 500 लीटर गैस को एक बार और 200 लीटर गैस को 30 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या कंप्रेस करेंगे। ठीक, तो हमने कहा व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड कहा टू कंप्रेस 500 लीटर ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर। 500 लीटर ऑफ एयर का मतलब हो गया लीटर, लीटर का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो फर्स्ट इसका मतलब फर्स्ट वॉल्यूम P1 कितना दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 500 लीटर दे रखा है। ठीक है, एंड 1 बार उसमें उसका प्रेशर कितना है, जो प्रेशर है P1 कितना है आपका 1 बार। ऐसे करके आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बॉयस लॉ को लगेगा या चार्ल्स लॉ को। अभी तो मैंने आपको बताया था कि बॉयस लॉ है, लेकिन आप देखिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट दिया है दिस इज द वॉल्यूम V1, जब वॉल्यूम V1 था तो उसमें उसका प्रेशर कितना था 1 बार। ठीक, देन उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम कितना हो गया 200 लीटर हो गया। तो यानी कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपका V2 हो गया आपका 200 लीटर हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 200 लीटर होगा। और आपसे पूछा व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर यानी कि P2 पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर दे रखा 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब टेम्परेचर दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि टेम्परेचर तो अलग अलग टेम्परेचर तो दिया नहीं है क्योंकि ये सारी प्रोसेस कितने पर हो रही है एट 30 डिग्री सेल्सियस कह रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारी प्रोसेस कितने पर हो रही है 30 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो आपका V1 हो गया 500 लीटर, P1 हो गया 1 बार वॉल्यूम हो गया, V2 200 लीटर और प्रेशर हो गया आपका P2, आपको फाइंड करना है। तो आपने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने देखा जैसी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको याद दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारी प्रोसेस किस पर चल रही है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे कि मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारी चीजें एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर चल रही है। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, बॉयस लॉ। और बॉयस लॉ कैसे होता है आपका P1 इज इक्वल टू P2 V2, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था बॉयस लॉ पार्ट थर्ड में बताया था कि कैसे बॉयस लॉ अप्लाई करेंगे। तो बॉयस लॉ होगा आपका P1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 कितना देर का है 1 बार, V1 कितना देर का है 500 ml, अप्लाई कर लीजिए P2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और V2 कितना देर का 200 ml, सारी के लिए आपने रख दी। P1 आपका 1 बार देर का था, देखिए V1 आपको 500 ml का था, P2 आपका आपको फाइंड करना है और V2 आपका 200 ml हो गया। ठीक है, वैल्यू रखी तो ये हो गया आपको, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 × 500 / 200। ठीक है, सॉल्व करा, से कटा, से कटा, 2 से 5 कटा, दिस इज 2.5, यानी कि P2 इज इक्वल टू कितना आया 2.5, क्या यूनिट क्या होगी आपकी बार बार। यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा क्योंकि ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करा। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने सॉल्विंग इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब P2 इज इक्वल टू हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, P1 की जगह P1 की वैल्यू रखी, V1 की जगह V2 की, V1 की वैल्यू रखी, P2 की जगह फाइंड करा था, V2 की वैल्यू आपने ढूंढ ली थी। ठीक, आपने रखा और ये सॉल्व करा 2.5, तो इसका मतलब क्या है, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड 2.5 बार। इसका कितने, इसके लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा 2.5 बार प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो मेरा सॉल्यूशन था, सॉल्व क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्व क्वेश्चन था, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके बताया कि आप किस तरह से बॉयस लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक, आप इसी तरह का मैंने क्वेश्चन और लिया है, इन ए केस ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस
विद इनिशियल प्रेशर ऑफ 400 केपीए, केपीए किलो पास्कल दे रखा है उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट आपके यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये किलो पास्कल में अगर ये है तो दूसरी वैल्यू आप देखेंगे कि किलो पास्कल में है नहीं। इन केस ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस विद इनिशियल प्रेशर इज 400 केपीए, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर रिड्यूस टू 200 केपीए। इन केस ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल, अब ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। इन केस ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, 1 लीटर ऑफ गैस यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कितना कह रखा है, V1 इज इक्वल टू 1 लीटर, कितना लीटर कह रखा है, 1 लीटर ऑफ गैस विद इनिशियल प्रेशर इज 400 केपीए। इनिशियल प्रेशर उसने खुद कह रखा है, इनिशियल प्रेशर कितना है 400 केपीए। केपीए से परेशान मत होइएगा, केपीए का मतलब हो गया किलो पास्कल, यूनिट पास्कल में दे रखे होंगे, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने को कह रखा है, पढ़ते रहिए और वैल्यू रखते रहिए। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर रिड्यूस टू 200 केपीए, उसका प्रेशर रिड्यूस होकर कितना जा रहा है, P2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 200 केपीए। तो अब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखिए अब दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, केपीए केपीए है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो हमने देखा V1 और P1 और V2 और P2 देखा, इसका मतलब हमने फिर गैस आउट कर लिया सारी चीजें, P1 V1 और P2 V2 पर हमारे जो फॉर्मुला अप्लाइड होता है वो कौन सा लॉ होता है, बॉयज लॉ का। तो फॉर्मुला क्या है आपका, फॉर्मुला आपको मैंने बताया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइंड करना है आपको V2, पहले P1 की जगह P1 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी हो गई आपके 400, ठीक है। V1 की जगह कितना होगा 1 लीटर, P2 की जगह पर हमने वैल्यू रखी कितनी होगी 200, और V2 की जगह पर फाइंड करना है V2 की जगह P2, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू व्हाट, 400 इंटू 1/200। सॉल्व करा, कट गया, कितना आ गया 2, ठीक है। यूनिट जरूर लिखेंगे क्योंकि पहली वाली यूनिट कितनी थी, लीटर थी, 1 लीटर, अभी कितना हो गया, आंसर कितना है 2 लीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कौन सा लॉ अप्लाई करा, बॉयज लॉ अप्लाई करा, हमने अपने नंबर को सॉल्व करा। ज्यादा टफ नंबर के लिए होते हैं लेकिन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि आपको बॉयज लॉ लगेगा या चार्ज लॉ लगेगा। हमने वैल्यू लिखी और रखी देखी, तो देखे हमने प्रेशर और वॉल्यूम पर, प्रेशर और वॉल्यूम पर चल रहा है क्योंकि इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तीन ही फंडामेंटल वैल्यू चलती है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, और प्रेशर और वॉल्यूम पर जो लगता है कौन सा लॉ लगता है, बॉयज लॉ लगता है जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो हमने अप्लाई करा इसमें कौन सा लॉ, बॉयज लॉ अप्लाई करा, ठीक। इसी तरह से मैंने एक तो सॉल्व क्वेश्चन था आपका, दूसरा आपका आंसर था, मैंने आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, उसमें आप परेशान हो जाते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे टर्न करा जाएगा। एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी गोइंग है कि आपका एनईपी का सिलेबस चल गया, और ये एनईपी का सिलेबस बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आप बेसिक चीज़ों को याद रखिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, देखिए आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और लिया है न्यूमेरिकल, ताकि आप एनईपी में जब 120 एंड आप पेपर फेस करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन क्या है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसने साफ हिंट दे दिया पहले ही क्वेश्चन में कि ये सारी चीजें किस पर चल रही है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम ऑफ ए गैस वॉज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल टू 1 लीटर। एट अ प्रेशर ऑफ 760 mmHg इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 25% फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। तो हम पहले तो मैंने आपको इसलिए टी कॉन्स्टेंट लिख के दिखा दिया क्योंकि आपको पता है कि टी कॉन्स्टेंट का मतलब हमारा कौन सा लॉ लग रहा है, बॉयज लॉ लग रहा है, और आपका टेम्परेचर क्या है, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, हमारी सारी वैल्यू किस पे चल रही है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे चल रही है, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारा कौन सा लॉ होता है, बॉयज लॉ होता है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वॉज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम वी वन कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लिखते हैं, लीटर भी लिखते हैं, 400 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हुआ लीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 760 mmHg, जिस समय उसका प्रेशर कितना था कह रहा हो, उस समय इसका प्रेशर कितना था 760 mmHg। जब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट बताया था तो उस समय मैंने बताया था कि जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है mmHg में फाइंड किया था, मरकरी, क्योंकि हम मरकरी के लेवल से फाइंड करते हैं ना प्रेशर, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था किस तरह से प्रेशर फाइंड किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मरकरी के लेवल के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, तो मरकरी का प्रेशर क्या होता है एमएम में, मिलीमीटर में कहता है 760 mmHg, और वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना माना जाता है 1 एटमॉस्फेयर माना जाता है। फिलहाल इसने यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है 760 mmHg करता है, ठीक। इफ द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज बाय 25% फाइंड द वॉल्यूम,
लेकिन उसने एक शर्त रख दिया, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 25%, गैस का प्रेशर कितना परसेंट बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। 25% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कितना था, जो इनिशियल था वो दे रखा है 760, इनिशियल आपको कितना दे रखा है 760 दे रखा है, और उसके बाद कह रहा 25% बढ़ जाता है इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज बाय 25%। तो इनिशियल तो आपका इनिशियल ही रहेगा, इनिशियल का मतलब हो गया इनिशियल, और इनिशियल में कितना परसेंट बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, इनिशियल का 25% बढ़ गया, इनिशियल का 25% बढ़ गया। इनिशियल जब बढ़ने का मतलब क्या है, तो पहले इनिशियल का 25% निकालिए, इनिशियल का 25% आपने निकाला, ये हो गया इनिशियल का 25%, और बढ़ गया कहा, तो इनिशियल कितना था 760, तो टोटल कितना हो गया 760, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 25 से कितना टाइम कर गया, 4 टाइम कर गया, और 4 टाइम कटा 25, 4 टाइम कट गया, और 4 से ये कटा, 4 वन जब 4 कितना बचा 3, 4 9 36 190, ठीक है 190 ऐड करा, ये हो गया 950, प्रेशर हो गया 950 mm Hg, प्रेशर कितना हो गया 950 mm Hg, ठीक फाइंड हमारा प्रेशर फाइंड करा हमने, कितना हो गया P2, कितना हो गया 950 mm Hg। अब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपका P1V1 = P2V2, फॉर्मूला ये होता है P1V1 = P2V2, P1 आपको दे रखा है कितना 760, V1 आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखिए वैल्यू रख दीजिए 400, ठीक है P2 आपको कितना, आपने कितना निकाला, कितना बढ़ गया था उसने, आपने निकाला कैलकुलेट करके 25% का 950 mm Hg निकाला, और V2 आपको फाइंड आउट करना, V2 आपको क्या करना फाइंड आउट करना, ठीक है P1 V1 P2 V2, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया देखिए 760 इनटू 400 अपॉन 950, सॉल्व करा, ठीक है सॉल्व करा तो यह आया हमारा अप्रॉक्स 320, क्योंकि वॉल्यूम है इसको आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब या लीटर, तो हमारा कितना हो गया एट द कांस्टेंट टेंपरेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ फॉर्म 250 400 सेंटीमीटर क्यूब 760 mm Hg, 400 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना था, वो प्रेशर कितना था 760 mm Hg था, तो 25% बढ़ने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कहा कितना हो जाएगा 7, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 320 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हम किस किस बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जिस बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमने उस बेसिस पर आपको सॉल्व करना बताया, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, तब आप बॉयस लॉ के बेस पर, बॉयस लॉ के लॉ को तो याद कर लेंगे, लेकिन अगर बॉयस लॉ याद करा है तो बॉयस लॉ के बेसिस पर, फॉर्मूले के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल अटेंड करना भी आना चाहिए, तो आप इस पार्ट 4 को देखिए आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करना देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट 5 में 4 लॉ को आगे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.